आई थिंक ये उन लड़कियों के लिए जो स्पेशली हॉस्टल्स में रह रही हैं, उनको अकेला इस सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको फेस करना पड़ता है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है दिस ऐप। इज़ काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल के हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। हम तो बस में होते हैं, हम सेफ होते हैं, लेकिन अगर हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें डर लगता है। तो इस ऐप में अनसेफ के लिए एक मार्क है, तो मैं दूसरी लड़कियों के लिए अनसेफ कर सकती हूँ जो वहाँ से गुजर रही हूँ। ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। श्योरली आई विल इंस्टॉल दिस ऐप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PSCA TV के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा अली राना। नाज़रीन, आज हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पे पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से एक सेमिनार मुनक्कद किया गया है। आइए यहां की फैकल्टी और स्टूडेंट से जानते हैं कि सेमिनार उनके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा और इस हवाले से उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तैयबा अशरफ। अच्छा तैयबा, मुझे बताइएगा कि जो वुमेन सेफ्टी ऐप पे आज आपने सेमिनार यहाँ पे अटेंड किया है, कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे अच्छा लगा सुन के, मतलब कि सेमिनार अच्छा था, ऑब्वियसली हमें सेफ्टी के लिए है, बट अगर ये ऑफलाइन हो, ये मतलब कि वेबसाइट ऑफलाइन हो जाए तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज देखें, अब कुछ ऐसी वुमेंस होते हैं जिनको मतलब कि मोबाइल यूज़ नहीं करना था। हम लोग तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कर लेंगे ईजिली, जो पढ़े लिखे होते हैं वो कर लेती हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज में रहती हैं समटाइम उनको भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, वो भी हरास होती हैं, तो उनको भी मतलब कि ये ऐसे होना चाहिए कि इजीली यूज़ कर सकें और ये मतलब कि ऑफलाइन हम लोग इजीली यूज़ कर सकें। मतलब आप ये सजेशन दे रहे हो कि ये ऐप जो है वो ऑफलाइन होनी चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन के अलावा आप क्या समझते हो कि अभी आपने ये अटेंड किया तो आगे जाके आपका क्या रोल है, क्या आप बाकी अपनी घर की या अपने मोहल्ले की खवातीन को इसके बारे में क्या इन्फॉर्म करोगे, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में क्या बताओगे? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी ऐप है ये, लोग मतलब कि हम लोग इसको सजेस्ट करेंगे कि हमारे केसेस कम करेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे माशरे में वुमेन हरासमेंट केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग मतलब कि फर्दर आगे इसको ज़्यादा मतलब कि हम करेंगे के ताकि दूसरे लोगों में इसके ज़्यादा वो हो जाए, मतलब लोग इससे अवेयर हों ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब कि ये हरेसमेंट केसेस कम हो और मतलब कि हमारा जो है ना वुमेन सेफ रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैम फैकल्टी से हैं आप? जी, आई एम फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट, आर्ट एंड डिज़ाइन के अंडर आता है ये। एंड आज का जो प्रोग्राम था बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन प्रीवियस टाइम मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था एंड देयर वाज नथिंग एल्स के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, बट ये उन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मुझे ऐसा लगता है। और इन फ्यूचर मैं बल्कि अपनी फ्रेंड जोन जितना भी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन हॉस्टलाइट पर्सन एंड दैट फ्रेंड वॉज ऑल्सो हॉस्टलाइट, सो आई थिंक ये उन लड़कियों के लिए जो स्पेशली हॉस्टल्स में रह रही हैं, उनको अकेला इस सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको फेस करना पड़ता है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। आई थिंक कि ये नॉलेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में और इस चीज़ के बारे में ज़रूर देना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद अपने आसपास की खवातीन को इसके बारे में आगाह करेंगे, खुद भी इस ऐप को इंस्टॉल करेंगी? एवरी वन, एक्चुअली आई एम गोना सेंड दिस लिंक टू एवरी पर्सन, एवरी गर्ल इन माई कॉन्टैक्ट के जो मेरे साथ मेरे हॉस्टल्स में रह रही हैं, इवन थ्रू माई जो हॉस्टल मैनेजमेंट है उनके थ्रू भी ये जो है फॉरवर्ड ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। बिल्कुल। अच्छा, कोई सजेशन देना चाहें इसमें आप हमें तो वो भी आप दे सकते हैं? यही है कि थोड़ा सा ऑफलाइन का इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो ऐसी बैकग्राउंड से होती हैं, उनके पास इवन के उनके पास अगर सेलफोन है तो उनके घर वाले से वो कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके खुद के फ़ोन के अंदर इंटरनेट और वो पैकेजेस वगैरह कुछ भी नहीं होता, बैलेंस वगैरह। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जैसे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑफलाइन भी चलती हैं, तो इसको भी ऑफलाइन होना चाहिए। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के, आइए उनसे जानते हैं कि सेमिनार अटेंड करके उनको कैसा लगा और क्या फीडबैक है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। अच्छा आमना, आप किस डिपार्टमेंट से हो? AHS डिपार्टमेंट। आप क्या समझते हो कि सेमिनार आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है, मतलब कि इस तरह की इन्होंने इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज शेयर की है कि अगर कभी भी कोई फीमेल अनसेफ्टी फील करे और ऐसी सिचुएशन में नहीं पता चलता कि आप किसको कॉल करें, तो ये जो ऐप है काफ़ी हेल्पफुल है फीमेल्स के लिए इस तरह के केसेस में। अभी जाके इस ऐप को इंस्टॉल करोगे? इंशाल्लाह। घर में करवाओगे सब? इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मलाइका तस्लीम। मलाइका, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? AHS।
ठीक हो गया। आपको कैसा लगा आज का सेमिनार? आज का सेमिनार बहुत अच्छा था। इसके ज़रिए हमें पता चला कि वुमेन सेफ्टी के लिए एक ऐप बनी है जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये ऑफलाइन हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। और अभी इस सेमिनार से पहले इस ऐप के बारे में पता था आपको कुछ? नहीं, इस सेमिनार के बाद हमें पता चला है और हम ट्राई करेंगे कि हम और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम? मारूख। किस डिपार्टमेंट से हैं आप? AHS। AHS। अच्छा मारूख, मुझे बताइएगा ये सेमिनार जो आज आपने अटेंड किया है कैसा रहा आपका experience? बहुत अच्छा सेमिनार रहा और बहुत अवेयरनेस, ये सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि वुमेंस के राइट्स बहुत है लेकिन उनको मिलते बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया कि हम लोग सेफली जा सकते हैं कहीं भी, अगर कोई मसला है तो हम लोग एमरजेंसी पे कॉन्टैक्ट कर सकते, और ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। श्योरली आई विल इंस्टॉल दिस ऐप। और इसके बाद घर में जाके बाकी खवातीन जो आसपास आपके फ्रेंड्स हैं उसमें भी आप इसको सर्कुलेट करेंगी? इंशाल्लाह। जी, अब हमारे पास वुमेन सेफ्टी ऐप के कुछ एम्बेसडर्स मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि एज ए एम्बेसडर वो ये मैसेज वुमेन सेफ्टी ऐप का बाकी लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवेरा। अच्छा नवेरा, मुझे बताएं कि आप हमारी अब वुमेन सेफ्टी ऐप की एम्बेसडर भी बन गई हैं, तो आप एज ए एम्बेसडर ये मैसेज लोगों तक कैसे पहुँचाएंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को जो मेरे बहुत क्लोज हैं उनको इन्फॉर्म करूँगी, क्योंकि वी आर ऑल बेसिकली स्टूडेंट्स, वी हैव टू ट्रैवल ऑन बसेज एंड ट्रांसपोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। तो दिस ऐप इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, लाइक हम लोगों को इतनी दूर पढ़ने, बेसिकली हमारा यही है ना, लेकिन रास्ते में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से नहीं पढ़ पाते। तो दिस ऐप इज़ काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल के हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी फ्रेंड्स को करूँगी, दैन माई फैमिली ऑफकोर्स, एंड मेरे जितने भी कनेक्शन हैं उन सबको ही ये बोलूँगी कि दिस ऐप इज़ वेरी हेल्पफुल, सो वी शुड इंस्टॉल इट। यस। हमारे पास वुमेन सेफ्टी ऐप की एक स्टूडेंट एम्बेसडर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि सेफ्टी ऐप के हवाले से क्या उन्होंने आज के सेमिनार में सीखा और एज ए एम्बेसडर वो मैसेज कैसे आगे पास करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अच्छा फिजा, मुझे बताइएगा कि आप हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप की एम्बेसडर हैं, ये मैसेज आप लोगों तक कैसे पास करेंगे और आज का सेमिनार कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? जैसे कि कम्युनिकेशन का सबसे बेटर वे है कि आप मीडिया यूज़ करें, तो आप मीडिया के ज़रिए मैं मेरे साथ जो भी फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं, कज़न्स हैं, फैमिली में, मैं मैसेज फॉरवर्ड करूँगी, उनको बोलूँगी कि ये ऐप इंस्टॉल करें, मैं खुद भी करूँगी, और ये हमारा जो सेमिनार था इसके बारे में बताऊँगी, बहुत हेल्पफुल था। हाँ, इससे पहले सोशल मीडिया यूज़ करते हो? जी। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने सारे फ्रेंड्स को बताओगे कि इस ऐप को यूज़ करें। जी, हमारे पास एक और स्टूडेंट मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लाइबा। आप भी एम्बेसडर हो वुमेन सेफ्टी ऐप की, तो मुझे बताओ कि आज का सेमिनार कैसा रहा? बहुत हेल्पफुल था और ये पंजाब पुलिस का एक बहुत अच्छा स्टेप है सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वुमेन की। सो आप क्या मैसेज देना चाहोगी देखने वाली ख्वातीन को? मैं कहूँगी कि हाँ, करना चाहिए उनको, ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी। जी, हमारे साथ अभी एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज का सेमिनार कितना हेल्पफुल रहा और ये ऐप उनको क्या लग रहा है कि कितनी मुफीद हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अफसा। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि आज का सेमिनार जो आपने अटेंड किया है, क्या समझती हैं वुमेन सेफ्टी ऐप खवातीन के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी हेल्पफुल होगी? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर वुमेंस के लिए जो कि वर्किंग करती हैं, लाइक हम जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाते हैं तो मैंने बहुत सी प्लेसेस देखे हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को ड्रग्स लगा रहे होते हैं, लाइक इंजेक्शन ड्रग्स। तो हम तो बस में होते हैं, हम सेफ होते हैं, लेकिन अगर हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें डर लगता है। तो इस ऐप में अनसेफ के लिए एक मार्क है, तो मैं दूसरी लड़कियों के लिए अनसेफ कर सकती हूँ जो वहाँ से गुजर रही हूँ।